सजग नागरिक टाइम्स में आपका स्वागत है। काली बडल के मुस्लिम कब्रिस्तान में वर्क कंपाउंड और वॉचमैन न होने की वजह से क्या चल रहा है देखिए। कब्रिस्तान में ही शराब पीकर लड़खड़ा कर गिरता हुआ शराबी, आपत्तिजनक सामान का इस्तेमाल कर कब्रिस्तान में ही फेंका जाता है। ये सब रुक जाए इसलिए भाजपा और शिवसेना के नगर सेवकों ने बजट देकर वर्क कंपाउंड का काम शुरू किया और राष्ट्रवादी के मुस्लिम माजी नगर सेवक ने राजकर्म कर काम को रुकवा दिया। इस बारे में मनसे के अजरुद्दीन सैयद ने पुणे मनपा के अधिकारियों से बात कर कब्रिस्तान का काम जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है और अधिकारी ने भी काम को जल्द ही शुरू करने की बात कही है। काले बडल के कब्रिस्तान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कई सालों से मुस्लिम कब्रिस्तान सर्वे नंबर 57 में मंजूर किया था, उसका कई सालों से काम बंद था, जो कि कब्रिस्तान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी रिटेनिंग वॉल, जो कि अगर किसी नगर सेवक ने उस रिटेनिंग वॉल के लिए निधि मंजूर नहीं किया था। बीजेपी के और शिवसेना के दो नगर सेवक उन्होंने अपने बजट में से बजट देकर मोस्ट कब्रिस्तान के रिटेनिंग वॉल का काम चालू किया, लेकिन राष्ट्रवादी के माजी मुस्लिम नगर सेवक ने वो काम आकर रुकाया। अधिकारियों से हमने जब बात की उस काम रुकाने की वजह मालूम गिरी तो हमको बहुत खेद होगा, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अधिकारियों को प्रेशर डालकर वो काम दो दिन में चालू करने की हमें ले लिए। इंशाल्लाह दो दिन के अंदर वो काम चालू हो जाएगा।